फर्श से अर्श तक का मुकाम हासिल करने वाली देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार आदिवासी महिला और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। उनके नॉमिनेशन पर ब्रह्म कुमारी संस्थान ओडिशा के कटक सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुलोचना, मीडिया प्रभारी बीके नाथमल तथा मूल्य शिक्षा की कोऑर्डिनेटर बीके लीना ने रायरंगपुर में उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दी और सफलता की कामना की है। दुनिया भर में अध्यात्म का अलग जगा रही ब्रह्म कुमारी संस्थान से भी द्रौपदी मुर्मू का जुड़ाव रहा है। उनका ब्रह्म कुमारी बहनों से गहरा लगाव है। वे राजयोग ध्यान के लिए अधिकतर सेवा केंद्रों पर आकर ध्यान साधना करती रही हैं। मुर्मू की समाज सेवा के साथ अध्यात्म और मेडिटेशन में भी बहुत रुचि है। वे आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन के लिए राज्यपाल रहते दो बार तथा उसके पहले भी कई बार संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू भी आ चुकी हैं। इसके अलावा जब उन्हें मौका मिलता रहा है वो देश के अलग अलग राज्यों में फैले संस्थान के सेवा केंद्रों पर भी भाग लेती रही हैं। यही नहीं, आध्यात्मिकता के जरिए विश्व परिवर्तन के संस्थान के प्रयासों की कई बार खुले मन से प्रशंसा करती रही हैं। द्रौपदी मुर्मू एक सामान्य कार्यकर्ता से पार्षद बनी और सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ती रही और आज अपने सर्वोच्च मुकाम को हासिल करने की ओर हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने फोन कर उन्हें बधाई दी और उनकी सफलता की कामना की है। देश और दुनिया की संस्थान से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हमसे जुड़िए और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।